हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज हम बात करेंगे आपके बेस की, यानी कि आपके जो चैप्टर नंबर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कल हमने एसिड तक करा दिया था, बेस की बात करते हैं। ओके, बेस क्या है? देखिए, यू माइट हैव सीन योर मदर एडिंग वाइट पाउडर वाइल बेकिंग और प्रिपेरिंग केक। व्हाट इट कुड बी? इट इज़ अ बेकिंग पाउडर। ओके, तुमने अक्सर देखा होगा तुम्हारी माँ एक सफ़ेद वाइट पाउडर ऐड कर रही है जब भी एक तुम्हारे लिए केक बना रही है उसमें, तो क्या हो सकता है? पता है ये बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग को तुम एक बार जब और लोगे और थोड़ा टेस्ट करोगे एक चुटकी भर, तो तुम देखोगे खट्टा है केक, सॉरी मीठा है या नमकीन है या कड़वा है, तो तुम पाओगे कि बिटर है ये। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ओके, सो इट्स बिटरनेस कन्फर्म दैट बेकिंग पाउडर इज़ नॉट एन एसिड। तो इसकी जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, वो इस बात को सिद्ध करेगी कि बेकिंग पाउडर जो है वो एक एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड तो खट्टे होते हैं। ओके, इट आल्सो फील सोपी एंड स्लिपरी व्हेन यू टच इट। जब इसको तुम टच करोगे तो सोपी और स्लिपरी लगेगा। ऐसी चीज़ों को, ऐसे पदार्थों को हम बेस कहते हैं जो कड़वे होते हैं, सोपी और स्लिपरी होते हैं। और केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें बेस होता है उनको हम बेसिक सब्सटेंस या बेसिक थिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, बेसिस शुड बी यूज विद कॉशन एज दे कैन हार्म द स्किन एंड आईज। बेसिस को ना बड़ा सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये स्किन और आईज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेसिस रिलीज OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। बेसिस को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो OH आयन इसमें से रिलीज होते हैं, जैसे कि NaOH, CaOH। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, अच्छा वो बेस जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। NaOH है, KOH है, ये वाटर सोल्युबल बेसिस हैं। मैनी हाउस होल्ड आइटम्स सच एज टूथपेस्ट, क्लीनिंग लिक्विड्स कंटेनिंग एल्कलीज। बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, तो हम टूथपेस्ट है, क्लीनिंग लिक्विड्स हैं, इन सब में एल्कलीज होते हैं। ठीक है, सम कॉमनली यूज बेसिस आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये कॉमनली यूज्ड हैं जो हमारे पास में मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की, यानी कि जो क्षार होते हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला, बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं। दूसरा, सोपी एंड स्लिपरी होते हैं। तीसरा, मे और मे नॉट बी सॉल्वल इन वाटर, पानी में सॉल्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और तो और एसिड की तरह बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, ऐसे बेस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न द स्किन, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्किन को जला भी सकते हैं। ओके, यूजेस की बात करें तो बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको एंटा एसिड के नाम से यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। पेट में एसिडिटी है, इसको लो तो वो एसिडिटी दूर हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके यूज़ हैं। एक दूसरा यूज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, इनको ना मिट्टी की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। जब एसिड रेन होती है ना, बारिश होती है, अम्लीय वर्षा, तो उसमें जो है मिट्टी एसिडिक हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको मिट्टी को एसिड से मुक्त बनाने के लिए हम स्लेट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। एक और इसी का इस्तेमाल हम वाइट वॉश के लिए भी करते हैं। ठीक है, जो पुताई होती है दिवाली पे। तब इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स हैं, हम इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।